अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से हूँ मैं भी बहुत 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 अच्छी। तो मैं जस्ट अभी नहा कर ही आई थी, और मैं आपको टाइम बता देती हूँ। टाइम बज गए हैं 12:30, और ठीक लग रही हूँ ना, और 12:30 बज रहे हैं, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को बता रखा है कि ऑन डाइट हूँ, तो दोपहर का खाना 12:30 बजे तक मतलब मेरा हो जाना चाहिए। कोशिश यही करती हूँ, लेकिन फिर भी काम धाम में लेट हो भी जाती है। 12:30 बजे तक खा लेना चाहिए, क्योंकि नाश्ते में बहुत लाइट ले रही हूँ और इतना सारा काम करती हूँ तो भूख भी लग ही जाती है। बट फिर भी कि आज फिर खा रही हूँ मैं जल्दी, वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं खा पाती, मुझे 1 या 1.5 तब भी बच जाता है कितना भी कोशिश कर लूँ। तो मैं क्या खा रही हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ, और बहुत 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 मज़े की चीज़ खा रही हूँ, बहुत लाजवाब चीज़ खा रही हूँ, और ऑन डाइट है। आप अगर आप डाइट के ऊपर हैं और आप इसे खा सकते हैं, बट थोड़ा सा कम मसाले वगैरह डाल लेना। लेकिन अगर आप लोग डाइट पे नहीं है ना, तो बढ़िया तरीके से बना लेना, भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, पड़ोसियों की नाक फट जाएगी खुशियों के मारे। अब आप लोग सोचेंगे इतनी तारीफ़ आज मैं क्यों करूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, लेकिन मैंने कभी इतनी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाई है एक्चुअली, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी टेस्टी बनेगी चीज़। और इसीलिए मैं आप लोगों को, और मैं आप लोगों को मतलब हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग बनाइए और अपनों को खिलाइए, आज मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी मतलब कैसी बनी और आप लोगों को मेरा सजेशन पसंद आया या नहीं आया। तो मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ, ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए, कि मैं क्या खा रही हूँ। ठीक है, तो ये रही मेरी थाली, और ये है 2 रोटियां, और बिना घी की, आजकल घी भी सब बंद है, तो ये है थोड़ा सा पिकल, और ये चीज़ क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये है दाल, मूंग की छिलके वाली दाल होती है ना वो, और मैंने बनाई है फरेवा। फरेवा मतलब पता क्या होता है मैं बता देती हूँ, मतलब फरेवा मतलब ये होता है, मेरा घुटना आ रहा है, सॉरी, फरेवा मतलब ये होता है कि मतलब खिली खिली दाल। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फरेवा मतलब होता है खिली खिली सी दाल बनती है ये, और ये बहुत 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 यमी बनी है। ये मैंने कैसे बनाई है मैं आपको रेसिपी देती हूँ, ठीक है? अब आपने देख ली ना अच्छे से, अब आ जाओ मुझसे बात कर लो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब तक ये खाना कंप्लीट करती हूँ, आप लोग रेसिपी देख लो और फिर हम करते हैं थोड़ी सी गपशप, चटपटे कमेंट ज़रूर मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगी, और फिर कुछ बातें करेंगे, ठीक है? ओके, तब तक आप रेसिपी इंजॉय करिए, बाय बाय। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ वो दाल जिसे मैंने खुद पहली बार बनाया और जो कि बहुत टेस्टी बन गई, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मूंग की छिलके वाली दाल, ये धुली हुई बनती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैं छिलके वाली बना रही हूँ। इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अच्छे से धो लिया, और अब इसके अंदर मैंने ये 1 टुकड़ा लिया अदरक का, और ये 5 कलियाँ ली हैं लहसुन की, और ये इतनी ही बड़ी कटोरी दाल है जो मैं आपको कटोरी दिखा रही हूँ ना, ये इतनी ही कटोरी दाल है 1 कटोरी। तो यहाँ मैं अपने लहसुन अदरक को पीस रही हूँ सिलवट्टे के ऊपर, क्योंकि मुझे ना ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि मैं पीस के मैं फ्रिज में रख दूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो मैं ताज़ा फटाफट से पीस लेती हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप सिल उल्टी क्यों रखती हो, तो हाँ जी डियर, ये मेरी सिल उल्टी है, क्योंकि फिर ना मैं इसको ऐसे ही खड़ा कर देती हूँ स्लिप के ऊपर ही अपने, तो बस इसलिए मेरी सिल जब पीसते टाइम ये थोड़ी सी आपको उल्टी ही लगती है। तो पीस गया मेरा लहसुन अदरक, बहुत कम टाइम लगता है इसके अंदर पीसने में, ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है। तो अब मैं सिल को धो लूँगी और ये पानी भी इसी में डाल लूँगी। तो ये देखिए, अब हम साबुत खड़े मसाले ले लेते हैं। तो ये हैं 2 तेज़पात के पत्ते, 1 मोटी इलायची, इसमें मैंने 3 लौंग लिए हैं और 5 से 7 काली मिर्च ली हैं, आप दाल की क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लेना, तो मसाले अपने हिसाब से कवर अप कर लेना। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, ये रहा ज़ीरा, 1/2 चम्मच ज़ीरा। ये दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अब हम आते हैं अपने पाउडर मसालों की तरफ, तो उसमें सबसे पहले जाएगी हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्च पाउडर ये भी 1/2 चम्मच जाएगा, क्योंकि ये चटपटी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। धनिया पूरा चम्मच भर के,
एक ही चम्मच जाएगा लेकिन पूरा भर के। और मेरा मोस्ट फेवरेट साबुत नमक, आपके पास ना हो तो आप इसे डाल सकते हैं। तो मेरे मसाले हो गए। तो जी चलो स्टार्ट करते हैं अपनी दाल बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये तेल ले लिया, मैंने तेल थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि मैं ऑन डाइट हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा तेल ले सकते हैं। ये तो पूरा चम्मच डाल लो, जो मैंने बचा लिया ना आप पूरा डाल लेना, बहुत टेस्टी दाल बनेगी। तो इसमें तेल वगैरह सब सही पड़ता है। तो अब मैंने गर्म मसाले अपने डाल दिए हैं गर्म तेल में ही, और ये देखो कितने अच्छे से चटक गए। तो फटाफट से मैंने बिना देरी के डाल दिया अपनी एक बड़ी प्याज काट के इसके अंदर। अच्छा मैंने आपको प्याज नहीं दिखाई ना, हाँ एक बड़ी प्याज और एक बड़ा टमाटर मैंने इसमें और इस्तेमाल किया है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी थी। तो मैं इसको अभी चला लूँगी, अच्छे से ब्राउन करूँगी। तो जी अब आप देख सकते हैं कि मेरी प्याज हो गई है ब्राउन। तो इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी जो मैंने अभी अभी पीसा था आपके सामने। तो इसे डाल के मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी और अच्छे से इसे भुनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 3 से 4 मिनट मैं इसे भुनूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। मेरी एक छोटी कटोरी दाल है, आप जितनी भी दाल है उस हिसाब से अपना काम करना। मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी टमाटरों को गलाने के लिए। तो पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर अपने पाउडर मसाले जो हैं वो सब डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी इसी कटोरी में डाल के डाल दूंगी इसके अंदर ताकि मेरे मसाले जले नहीं और मेरे टमाटरों को गलने के लिए भी पानी मिल जाए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, अब मैं इनको ढककर पकाऊंगी ताकि मेरे सारे मसाले और टमाटर सब इतने अच्छे से भुन जाए कि मज़ा ही आ जाए बस। और वाकई में मज़ा ही आ गया था खाने में। तो मैं आप खोल के देख रही हूँ कि मेरा मसाला भुन गया कि नहीं, लेकिन अभी मेरा मसाला नहीं भुना है क्योंकि इसके अंदर पानी है। और भुना हुआ मसाला तो अलग ही दिखता है, उसकी मतलब शक्ल ही अलग दिखती है। तो इसके अंदर तो अभी पानी और टमाटर भी अभी थोड़े साबुत हैं, गले नहीं है। तो मैं इसे चला रही हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं अभी फ़िलहाल इसे फिर से ढक के रख दूँगी ताकि मेरा मसाला बेहतरीन तरीके से भुन जाए। और जब ये भुन जाएगा ना ये खुद ही बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये भुन चुका है, देख रही है ना शक्ल, मतलब चीज़ अपनी शक्ल से ही बता देती है कि वो क्या है। तो यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है और यहाँ पानी बिल्कुल भी अब नहीं नज़र आ रहा है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। और खाने में ना मसाला वगैरह अच्छे से भुनोगे तब भी स्वाद आएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है। खाने को बड़े इत्मीनान से और प्यार से बनाया करो, वो वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ मैं अपनी दाल ले लूँगी जो मैंने धो ली थी, इसमें से मैंने बहुत सारे छिकल निकाल दिए लेकिन कुछ रख दिए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और दाल मैं इसी तरीके से डालती हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी दाल लाते हैं, इसके अंदर बहुत मिट्टी और बहुत कंकड़ होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीन ली है और मैंने ये दाल 10 बार धो ली है लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, तो मैं ऐसे पानी में से निकाल निकाल के डाल देती हूँ। खाने में ना मुझे ज़रा सी भी लाइत लाली बिल्कुल पसंद नहीं है कि ज़रा सा मैं आलस कर जाऊँ, मेरा खाना ख़राब हो जाए। मैं खाना बहुत ही प्यार से और मन से बनाती हूँ तो वो बनता भी अच्छा है फिर। तो मैं इसको मसाले में डाल के बहुत अच्छे से भुना है मैंने इसे, पानी अभी तक नहीं डाला था लेकिन अब पानी डालूंगी। तो मैंने ये एक इतनी ही कटोरी डाल ली थी तो मैंने एक कटोरी पानी डाल लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा सा मतलब पहली बार बना रही हूँ तो मैं पानी से डर रही थी, तो मैंने पानी कम डाल लिया था जबकि मुझे पता था कि कितना पानी डालना है लेकिन घबराहट में मैंने कम डाला है। तो मैंने ना ये बस अब थोड़ा सा इसी कटोरी में और ले लिया है, ये देखो थोड़ा सा ही लिया है, आधी से भी कम। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे अगर ये इतनी बड़ी कटोरी दाल है, मतलब कितनी भी बड़ी अगर एक कटोरी दाल है तो आप 2 कटोरी पानी लेना। इसे बिल्कुल चावलों की तरह ही बनाना है, जैसे अपन लोग चावल बनाते हैं ना वैसे ही आपको इसे बनाना है। तो अगर मैं इसमें 2 कटोरी पानी ले लेती तो अच्छा होता, लेकिन मुझे फिर बाद में डालना पड़ा था दाल को गलाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता। तो जी पानी डालने के बाद 10
मिनट के लिए मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने कोई दाल रखी है, और ये मेरा बहुत बड़ा चूल्हा है तो इसलिए मैंने इसे स्लो पे ही रखा हुआ था। तो फिलहाल अभी इसके अंदर पानी भी रहेगा ही लेकिन दाल नहीं गली है, और बस दाल और पानी एक दूसरे में हो गए हैं मैक्स। तो मैं इसको एक्चुअली ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे छोटे चूल्हे पर। एक्चुअली मेरा 3 चूल्हों का गैस है लेकिन मेरा 1 चूल्हा बिल्कुल ही ख़राब है, तो जो सबसे छोटा और बड़ा बस यही 2 काम आते हैं, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ उस पर, ताकि उस पर धीमी धीमी आँच में मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये जो बीच वाला है ना, यही इसी की मैं बात कर रही थी, और जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये 2 साल से नहीं चल रहा है, कैन यू बिलीव इट। और हमने एक बार बुलाया भी था ठीक करने वाले को, तो वो और ख़राब करके चला गया। पहले तो थोड़ा बहुत जलता था, बिल्कुल नहीं जलता। तो 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैं इससे माँच पर रख दूँगी और ये धीमी धीमी बनेगी। तो 15 मिनट बाद मैंने इसे खोल के देखा है, तो अभी मैं आपको भी पास से दिखा देती हूँ। तो देखो इसके अंदर इतना पानी है अभी, और अगर बात करूंगी मैं दाल गलने की तो मैं अभी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो जी दाल तो ये गल चुकी है हल्की हल्की सी, बस हल्का सा इसके अंदर स्ट्रांगनेस है, बाकी दाल गल चुकी है। तो अब हम इस पर लगाएंगे दम। तो दम लगाने के लिए मैं फिर से बड़े चूल्हे पे जाऊंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, जैसे चावल बनाते हैं ना पतीले में, उसी तरह आपको बनानी है। तो मैंने पहले रख दिया है तवा और अपना पतीला इसके ऊपर दोबारा से रख दिया है, और 2 मिनट के लिए मैं गैस तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं गैस को कर दूँगी बिल्कुल स्लो। तो अब इसके बाद हम देंगे 10 मिनट का दम इसके अंदर। 10 मिनट तक बिल्कुल खोल के नहीं देखनी है दाल। 10 मिनट बाद आप देखिए, ये देखिए मेरी दाल में बिल्कुल दम आ चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। तेल मैंने कम डाला था, आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे ना तो और भी बेहतरीन बनेगी। तो अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा चला के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी दाल, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये कुछ इसी तरह से बनेगी, इसका टेक्स्चर भी ऐसे ही होगा और ये बहुत यमी थी। तो मैंने निकाली है अपनी दाल और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी ना, मतलब आप कहेंगे अपनी चीज़ की तारीफ़ करें बट मैं मजबूर हूँ, इतनी अच्छी बनी थी मैं इसलिए इसकी तारीफ करें। तो आप इसे बनाइए, अपनों को खिलाइए। चलिए मैं आप, तो जी आई एम बैक और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि उस टाइम से मैं जस्ट ना कराई थी और मेरा खाने का टाइम निकल जाता है, इसलिए मैंने खाना खा लिया है और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दी है, और आप लोगों को आई होप पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर बनाओगे। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आप लोगों से बात करने का सेशन, और फिर इसके बाद आएगा एक चौटपटा कमेंट का सेक्शन, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और आप लोगों से उस बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। अब जैसे कि ऊपर का गेटअप तो आपने मेरा देख लिया है, मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रही होंगी और ठीक है, मतलब इतना कोई शायद ही कोई दिक्कत नज़र आ रही होगी। लेकिन अभी मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा अभी देखा। तो जी नीचे देखिए ये ये हमारी शलवार, और ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं है, शलवार ही क्या सूट भी प्रेस नहीं है, देख लिया आप लोगों ने। चलो आते हैं बात करते आप लोगों से। हाँ तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं तो भाई नहीं मिलती मुझे फुर्सत इतनी कि मैं कपड़े प्रेस करके पहनूं, तो मैं नहीं पहनती। अगर आप लोगों को फुर्सत मिलती है, अरे कुसुसुआरी मैं भी जाती हूँ। हाँ तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मुझे तो नहीं मिलता उतना टाइम कि मैं मतलब प्रॉपर प्रेस करूं कपड़े और फिर पहनूं, मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। वहाँ कहीं आने जाने की बात अलग होती है, वहाँ तो फिर बनता है कि प्रेस करके जाएं, बाकी घर में तो ऐसे ही चलता है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करती हैं, मतलब गड मड कर देती हैं। और दूसरी चीज़ पता है, हम लेडीज़ में होती है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर मतलब दुनिया की हर लेडीज़ ही ऐसी होती होगी, क्या तो हम एशियन और क्या अमेरिकन क्या कोई और कंट्री में, मतलब यही मानती हूँ कि क्योंकि औरत का दिल ही ऐसा होता है। जैसे कि अब हम लोग हमसे कोई भी कहे, मतलब अपने घर में ससुराल में कोई भी कह दे, आधी रात को भी कह देगा ना कि हमें ये चाहिए, फौरन उठ के खड़े हो जाएंगे और उसके लिए वो काम कर देंगे। लेकिन हमें अपने लिए कुछ करना होगा ना, हमसे नहीं होगा, ये मेरे साथ तो है ही। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है कि अपने लिए नहीं हो पाता। तो चलो ये बात तो ख़त्म हुई। और दूसरी चीज़ आप लोग मुझे बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। ये सूट मेरा बहुत पुराना है, नया नहीं है, लेकिन हाँ अब तक नया था और मैंने अब इसे घर में निकाल लिया है। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना थोड़ा सा, तो इसे मैं पहन लूँगी सर्दियों में, घर में निकाल लूँगी। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब ये मम्मा ने, मतलब मैं अपने घर गई थी तो मम्मा ने दिया, मतलब सिलवा के ही दिया था। तो मैं वहाँ से जब भी आती हूँ नए कपड़े पहन कर आती हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं इसे पहन कर आई थी। तो हो गई सूट को भी,
4 साल हो गए अब तक, नए कपड़ों में ही था, मैं कहीं आती जाती थी तो पहनती थी। एक्चुअली आना जाना भी कम होता, तो फिर मैंने अब गुस्से में निकाला कि आना जाना भी नहीं होता और फिर पड़े पड़े कपड़े ख़राब ही हुए जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। अच्छा अब मैं बात करती हूँ कि चटपटे कॉमेंट की। हाँ उससे पहले, हाँ मेरे को याद आ गया, मैं ना भूल बहुत जाती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फिर कोई ना कोई ज़रूर मुझसे पूछेगा कि आपकी लिपस्टिक कौन सी है। तो लिपस्टिक है मेरी ये ब्लू हेवन की और इसका नंबर है 66। ओके देख लो आप अच्छे से, ये इस तरह से है, ये बुलेट लिपस्टिक है, वैसे पीच कलर है ये क्योंकि मैंने सूट भी पीच ही पहना है, तो ये कुछ इस तरह से, अब ये थोड़ा सा मिट गया है, तो ये ब्लू हेवन की है और कलर शेड आप देख लो 66 है। मैंने अपनी लोकल मार्केट से ली थी, तो ये 100 रुपीज़ की मुझे मिली थी और ऑनलाइन मैंने ली नहीं है। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना, और अगर नहीं मिला तो आप अपनी लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने चटपटे कमेंट की तरफ चलते हैं, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो जी मेरा चटपटा कमेंट है, ये मुझे भेजा है सैफी गर्ल शाजिया ने। बाजी मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूं ससुराल की वजह से, बट आपकी वीडियो देखकर मुझे सीख मिलती है कि आप एक ख़ानदानी बेटी हैं। थैंक यू। मुझे भी गांव की ससुराल मिली है, उनकी सोच भी ऐसी ही है, लेकिन आपको देखकर मुझे सबक मिलता है कि आप बहुत ही अच्छी हैं, नेक सीरत लड़की हैं। तो इतनी तारीफ़ के लिए शुक्रिया, और अगर आपने ये बोला है कि आपको मुझसे मतलब सबक मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ अपने ससुराल वालों के बारे में, मतलब मैं नहीं चाह रही, आप लोगों के सवाल ही इतने आते हैं कि फिर मुझे बताना पड़ता है, तो मैं चलो आज उनके बारे में बात कर ही लेती हूँ। कि अगर मतलब आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा ससुराल कैसा है, मेरे घर में सब लोग कैसे हैं, तो मेरा ससुराल, अगर मैं अपने मम्मी और पापा यानी सास और ससुर के बारे में बात करना चाहूँ और कोई वर्ड ढूँढूँ कि मैं मतलब उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, तो मैं सोच लेती हूँ पहले। तो हाँ एक वर्ड मुझे याद आ गया, वो वर्ड है फरिश्ता। जी हाँ मेरे सास ससुर बिल्कुल फरिश्ते जैसे हैं और वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं इसी ऐव ही बोल रही हूँ या मैं किसी के प्रेशर में बोल रही हूँ, प्रेशर आपको पता है किसी का भी इनका तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी किसी का कोई प्रेशर नहीं है। मेरे दिल की बात है कि मेरे मम्मी पापा, तभी तो मैं उन्हें अपने मुझे आप लोगों को बताने के लिए बताना पड़ता है कि वो सास ससुर हैं, अदरवाइज़ मैं उन्हें मम्मा और पापा ही बोलती हूँ। मैंने उन्हें अपनी सास को कभी मम्मी जी नहीं बोला है, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी मम्मा है उनको भी मम्मा बोलती थी, तो मेरे लिए तो वो भी मम्मा है, तो मैं उनको भी मम्मा बोलती हूँ, तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे ससुर जी भी मुझसे बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। तो और एक और बात बता देती हूँ, देखो मैं जो हूँ ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों में कई बार मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या कुछ भी है, कई बार मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं मुझे समझ में आती, तो मैं अपने मतलब मम्मी पापा जो मेरे सास ससुर हैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, वो लोग मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, तो इस वजह से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत 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 अच्छे सास ससुर मिले। तो पहला सवाल तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि बहुत मतलब ये एक ने नहीं, इसे मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने जो कि मुझसे अभी नए आके जुड़े हैं उन्हें नहीं पता मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं और वो वीडियो शायद उन्होंने देखी भी नहीं है जो मैंने अपने बारे में ऑलरेडी डाल रखी है, क्योंकि अभी वो नए हैं तो वो वहाँ तक शायद पहुँचे भी नहीं हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली सवाल क्या था मैं पहले वो बता देती हूँ। सवाल ये था कि क्या आप अपने ससुराल से अलग रहती हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, तो उसमें मैंने बताया था, जो नहीं लास्ट टू लास्ट जो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी, तो मैंने टाइम बताया था, और फिर मैंने ये बताया था कि खाना पीना हमने खा लिया और हम जल्दी आ गए। तो किसी का कमेंट आया था जल्दी आ गए कहाँ से आ गए आप, खाना खाने कहाँ जाती हैं, क्या है क्या है। तो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, सिंपल सी बात है, मेरी जब शादी हुई, एक्चुअली हमारे दो घर हैं, एक पुराना घर है एक नया घर है यही वाला, और मेरी जब शादी हुई तो मैं ब्याह के इसी घर में आई थी, नए घर में, क्योंकि हमारे पापा जी यानी ससुर जी ने ये घर मतलब मेरे हस्बैंड के लिए पहले ही बनवा के रखा हुआ था कि उनकी वाइफ आएगी तो वो इसी घर में रहेगी।
तो इसीलिए मैं इसी घर में रहती हूँ। और जो मेरी पूरी फैमिली है, जब हमारी नैनी शादी हुई थी तो वो पुराने घर से यहाँ पर आते थे, और कई बार रात में भी सो जाते थे और कई बार वो चले भी जाते थे। तो मतलब वो आना जाना करते रहते थे अपने पुराने घर से, लेकिन खाना पीना नहाना धोना सब यहीं था, हम लोग सब एक साथ ही रहते थे तब। लेकिन मेरी शादी के एक साल बाद हुई मेरे देवर की शादी, तो फिर अब देवरानी आ गई थी, अब नई नई बहू तो नहीं आएगी ना यहाँ पर, और फिर वो इतने सारे लोग हैं तो वो तो नहीं आ पाएगी। तो फिर मम्मा ने ये बोला था कि अब आप आओगे यहाँ पर, क्योंकि अब वो नहीं है, अब आप थोड़े से पुराने हो गए हो तो अब आप आओगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैं क्या करती थी मतलब शुरू शुरू के इनिशियल डेज़ में, जब मेरे देवर की शादी हुई थी तो मैं आयरा भी नहीं छुटकू सी थी, आप लोगों ने देखा है। तो मैं सुबह ही आयरा उठती थी, हम लोग यहाँ पर नहाते धोते भी नहीं थे, सिर्फ ब्रश करते थे, चाय वगैरह भी मैं कुछ नहीं पीती थी, यहाँ पर कुछ सामान भी नहीं था, सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं हमने भरवा रखा था। तो मैं चाय भी वहीं जाके पीती थी, नाश्ता पानी हम लोग सब वहीं करते थे, वहीं बनाती थी और सब लोग वहीं खाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से हुई कि वो भी घर छुट्टा है, ये भी घर छुट्टा है। अब उस घर में है तीन कमरे, एक मेरे मम्मी पापा का, एक मेरी ननद का और एक देवर और देवरानी का। तो जब हम दोपहर के टाइम खाना पीना खा के मतलब सबको खिला के फिर जब सोने की आती थी बारी, तो नहीं होता बहुत सारे लोगों को पसंद कि हमारे साथ मतलब कमरे को नहीं लोग शेयर कर पाते, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, तो चीज़ें नहीं उतनी सेटल हो पाई, तो फिर थोड़ा सा परेशानी होने लगी। तो फिर मम्मा ने भी यही बोला कि फिर तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा भी छोटा बच्चा है, उसका साथ है, तो एक काम करा करो तुम भी अपने कमरे में आराम करा करो, तुम्हारे पास क्या कमरा नहीं है, तो एक काम करो तुम अपना नाश्ता भी वहीं कर लिया करो, खाना पीना भी वहीं, मतलब दोपहर में हल्का फुल्का कुछ भी बना लिया करो, वहीं खा लिया करो, और शाम का खाना तुम यहीं आके बनाओ और यहीं खाओ। तो फिर यही अब सिलसिला चलता रहा, क्योंकि नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, नहीं सेटलमेंट बैठ पाया, सबको अपना कमरा अच्छा लगता है, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा। तो इसीलिए मैं अब जाती हूँ शाम को, अब भी मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ। अब आयरा बड़ी हो गया, आयरा छोटी थी तो मैं उसको 4 बजे उठा के ले जाती थी और फिर हम लोग वहीं पर बनाते थे सब कुछ, लेकिन अब थोड़ा सा ये चीज़ें हो गई हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, आयरा स्कूल जाती है, आप लोगों को पता है आयरा ट्यूशन जाती है, तो अब आयरा आती है 6 बजे, तो फिर हम जाते हैं वहाँ पर 6 बजे। तो अभी तो मेरी देवरानी हैं तो वो मतलब सब्ज़ी बना लेते हैं और मैं रोटी बना लेती हूँ, तो मिल बाँट के इस तरह से हो जाता है काम। और जब वो नहीं होते हैं, वो भी अपने मायके में होते हैं, तो फिर मैं ही करती हूँ फिर सारा काम, फिर मैं चाहे 6 बजे जाऊँ चाहे 6:30 बजे जाऊँ, मतलब जाके मैं ही बनाती हूँ और मैं ही फिर सबको खिलाती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी मतलब लाइफ को सेटल कर रखा है, और बस अब जो भी है, अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अगर आप लोग मेरी राय पूछेंगे तो नहीं, हम लोग बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, क्योंकि तीन लोग वहाँ रह जाते हैं, देवरानी और मम्मा और बाजी मतलब मेरी ननद, तो वो लोग दोपहर में वहाँ खा लेते हैं, और बाकी हम 3-4 लोग यहाँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ सबसे नीचे मेरे देवर की शॉप है जेंट्स रेडीमेड गारमेंट की, फिर उसके ऊपर मेरे पापा की शॉप है वो जेंट्स टेलर है, और फिर 3rd फ्लोर पे रहती हूँ मैं। तो फिर जब मैं यहाँ पर दोपहर में कुछ भी बनाती हूँ तो हम सब यहाँ खा लेते हैं मिल बाँट के, और वो लोग वहाँ खा लेते हैं मिल बाँट के, तो इस तरह से दोनों घरों में हो जाता है काम, और शाम का हम लोग सब इकट्ठा खाते हैं, बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा और आप लोग इससे मुतमइन होंगे। तो बस अब ये दूसरा जवाब भी कंप्लीट हुआ, अब मैं ले लेती हूँ जल्दी जल्दी नाम, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि नहीं आप नाम लो, हमें पसंद है और हमें अच्छा लगता है आपके मुँह से नाम लेना। तो अभी अब तक का भी रिजल्ट यही है कि भैया नाम सेशन तो नहीं जा सकता है, इसको कोई नहीं हिला पाएगा, क्योंकि लोगों को पसंद आता है उनका नाम लेना। तो मैं ले लेती हूँ जल्दी जल्दी, आरिफ खान ये भी कह रहे हैं मेरा नाम लो, सैयदा रेहाना तो ये भी कह रही हैं हो सके तो मेरा नाम लो, और सलमा बेगम वो ये कह रही हैं कि आप मुझे बहुत पसंद हो और मेरा नाम लो। तो मैंने आज 3 नाम ले लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत 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 लेंदी हो जाता है, मेरे पास उससे जो शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं जब बोलती हूँ ना तो फिर मैं भावनाओं में खो जाती हूँ, और फिर आप लोग भी कमेंट करके यही कहते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत पसंद है, और आप लोग बताते नहीं हैं सर पे से दुपट्टा बार बार हट जाता है, ये शिफॉन वगैरह के दुपट्टे होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अच्छे भी तो फिर यही लगते हैं। तो आई होप आपके सवालों के मैंने जवाब दे दिए और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दाल तो भाई प्लीज़, मतलब मैं अब दाल के बारे में और भी बता देती हूँ, आपका नॉनवेज खाने का मन है ना, और आपके घर में मतलब नॉनवेज नहीं है, कई बार पैसे भी नहीं होते बंदे के पास और मन कर रहा है कुछ भी चटपटा खाने का,
तो आप इस दाल को बनाइए। इसमें खुशबू भी नॉन वेज जैसी, इसका टेस्ट भी इतना यम्मी कि बस पूछो मत। और मैं आपको बताऊँ इसे पीछे की स्टोरी, पीछे की स्टोरी बस इतनी थी कि घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, घर में कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने इनको बोला क्या बनाऊँ, तो इन्होंने बोला दाल बना लेना। तो मेरा, मैंने एक दिन पहले ही दाल बनाई थी, तो अब लिक्विड ही दाल खाने का ऐसा कोई मन नहीं था। तो वैसे ये दाल मूँग की धुली हुई दाल बनती है इस तरह से फरेवा, तो अब मेरे पास वो भी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर मैंने छिलके वाली बना ली। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती है, तो मैंने पहली बार ट्राई करी है और ये बहुत ही औसम बनी है। मतलब धुली हुई दाल से भी ज़्यादा अच्छी है छिलके वाली दाल बनी है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, पहले दुपट्टा बोल लूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, और वीडियो पसंद आए, बार बार भूल जाती हूँ, वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं पे करना पड़ता। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।